नमस्कार, मैं हूं आकाश द्विवेदी और आप हैं 7i न्यूज के साथ। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, लेकिन खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट में माल्या की याचिका खारिज, एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक चाहता था, माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया। बेबी को 32वें दिन मिला इंसाफ, दरिंदे को 2 बार फांसी, जज बोली दोषी क्रूर इसलिए यह सजा। राहुल गांधी मानहानि के मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद की अदालत में होंगे पेश। पाकिस्तान ने दूसरे दिन भी तोड़ा सीजफायर, मनकोट, कृष्णा घाटी और नौशेरा में दागे मोर्टार। तमंचे पर डिस्को करना पड़ा महंगा, बीजेपी से निकाले गए एमएलए प्रणव चैंपियन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। माल्या ने अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से तब तक रोका जाए जब तक कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला ना आ जाए। विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। माल्या ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। कर्ज की वसूली के लिए बैंक माल्या की जब्त की गई संपत्तियों को बेचना चाहता है। माल्या लंदन में है। पिछले साल दिसंबर में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। यूके के गृह सचिव ने भी मंजूरी दे दी थी। माल्या फैसलों को चुनौती देना चाहता है। पिछले दिनों यूके हाईकोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की इजाजत दी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनगर की मांडवा बस्ती में 8 जून को 9 साल की बेबी से ज्यादती के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी विष्णु भमौरे को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने फांसी की 2 सजा सुना दी है। पहली सजा धारा 302 के तहत और दूसरी 376 क-ख में सुनाई गई है। विष्णु ने वारदात को अंजाम देकर बेबी का शव नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने 17 जून को 40 गवाहों के बयान से तैयार 108 पेज का चालान पेश किया था। एक दिन पहले कोर्ट ने विष्णु को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार दोपहर यानी 32वें दिन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा के ऐलान के बाद बेबी की मां और तीनों बहनें रोने लगी, बोली बेटी को इंसाफ मिल गया, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जज कुमुदिनी पटेल ने फैसले में कहा, जिस तरह खिलौने से मन भर जाने पर कोई बच्चा उसे फेंक देता है, वैसे ही विष्णु ने बच्ची को मारकर गंदे नाले के चैंबर में फेंक दिया। मैं तुम्हें फांसी की सजा दे रही हूं। समाज में ऐसे अपराध करने वालों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना के बाद विष्णु के मन में आत्मग्लानी नहीं हुई और ना ही कोई अफसोस है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अहमदाबाद की अदालत में पेश होना है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के दौरान एडीसी बैंक में भारी मात्रा में नकदी जमा होने का बयान दिया था, जिसके खिलाफ बैंक ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। एडीसी बैंक की ओर से दायर एक केस में अदालत ने उन्हें 12 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था। कांग्रेस ने राहुल गांधी के स्वागत की भव्य तैयारियां की हैं। गौरतलब है कि मानहानि के 2 अन्य मामलों में राहुल को 16 जुलाई को सूरत व 9 अगस्त को अहमदाबाद आना है। लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अदालती चक्कर बढ़ गए हैं। मुंबई, पटना के बाद अब राहुल की सूरत व अहमदाबाद की अदालत में हाजिर होने की बारी है। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व मोदी के सरनेम को लेकर उनके बयानों के आधार पर गुजरात की 2 अदालतों ने उनके खिलाफ मामले दायर किए गए थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। उनके इस बयान के खिलाफ समस्त गुजराती मोढ़ मोदी समाज के नेता और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक करतूत जारी है। पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार को भी सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर, जबकि राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलाबारी की गई है। भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक प्रणव चैंपियन की भारतीय जनता पार्टी से छुट्टी हो गई है। विधायक प्रणव चैंपियन का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह नशे की धुत होकर बंदूक लहराते हुए डांस कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से कार्रवाई की सिफारिश की थी। शुक्रवार को केंद्रीय नेतृत्व ने प्रणव चैंपियन को पार्टी से निकाल दिया है। इसमें वे न केवल उत्तराखंड के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि
हाथों में रिवाल्वर और एक कार्बाइन लेकर डांस भी कर रहे हैं। इसी मामले में पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दतिया जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सेवड़ा क्षेत्र में एक दोहरा हत्याकांड की वारदात के घटित होने की मामला सामने आई है, जहां एक मकान में धार एवं पत्थरों से कुचलकर मां एवं पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या कर आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। घटना सेवड़ा क्षेत्र के स्थानीय वार्ड क्रमांक 2 परिहार मोहल्ला की है, जहां पर निवासरत ब्रिजमोहन तिवारी की पत्नी राधा तिवारी एवं उसका पुत्र 22 वर्षीय शैलेंद्र तिवारी की धारदार हथियार एवं पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना के पश्चात दोनों शवों को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी लगने पर सेवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। सांसें चल रही शैलेंद्र को लेकर डायल 100 से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते उसके पहले ही शैलेंद्र की सांसें रुक गई। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट। दबो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अंधियारी गांव में नीता कुशवाहा की 2013 में शादी हुई थी। शादी के एक साल बाद नीता कुशवाहा को एक बच्चा भी हुआ था। नीता कुशवाहा ने बताया कि उनके ससुराल जनों की आर्थिक स्थिति जैसे ही बढ़ने लगी, उन्होंने नीता कुशवाहा को बदसूरत कहकर प्रताड़ित करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह अपने लड़के की शादी उसके मौसी की लड़की के साथ करना चाहते थे। जिसके 2 साल बाद नीता कुशवाहा ने अपने पति छोटू कुशवाहा एवं ससुराल जनों के खिलाफ दबो थाने में प्रकरण दर्ज करा दिया, जिसके बाद वह पिछले 5 साल से अपने बच्चे के साथ अपने पिता के घर यूपी के आमखेड़ा गांव में रह रही है। ऐसे में नीता कुशवाहा ने दबो थाने क्षेत्र में पुनः गुहार लगाई है कि उसके बच्चे का अधिकार उसे दिया जाए। मेरे को रखना नहीं चाहते हैं, वो नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि मेरी मौसी की लड़की से संपर्क होने के कारण वो विवाह करने के लिए तैयार है। कौन बोला? मेरे घर से एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद तब से वहाँ से मैं अपने घर लाया, इलाज करवाया, वो इलाज करवा के तब से बच्ची मेरे घर पर रह रही है। और जब भी मैंने सुलह कराने की या वहाँ जाने की कोशिश की, तब उन्होंने हमेशा बुरी नीयत से दुख्तार के भगा दिया कि मुझे नहीं रखना है। द्वारा आवेदन दिया गया है कि पूर्व में आपस में अनावधिक पर पूर्व में अपराध पंजीबद्ध है, क्योंकि अधिकार द्वारा दिया गया है था जाँच कर उसका कार्रवाई कर दी जाए। दबो से संवाददाता राजा भैया पाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले में धूम्रपान पर कोई नियंत्रण नहीं है, वहीं कलेक्टर परिसर में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है, जिन पर नियंत्रण पाना असंभव नजर आ रहा है। पन्ना से शिवकिशोर पांडे की रिपोर्ट। दमोह जिले की इमलाई में माय सेम कंपनी के ट्रक चालक यूनियन ने हड़ताल कर दी है। उनका आरोप है कि कंपनी प्रबंधन कम भाड़ा देकर तय भाड़े में कटौती कर रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। ट्रक संचालकों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो सीमेंट सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। कंपनी प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। कुछ नहीं है, अंडर लोड कर दिया, उसमें हम लोग मतलब साथ में है कि अंडर लोड होना चाहिए, लेकिन जो 10 चक्का वाले वाहन हैं उनके लिए भाड़ा बढ़ा दें, कंपनी काम चालू हो जाएगा। अभी अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई? अधिकारियों से कोई बात नहीं। रामनगर थाना क्षेत्र के हरियरी गांव में शेर दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा देखे गए शेर की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। शेर के गांव में घुसने की सूचना पर फॉरेस्ट अफसर और स्थानीय थाना पुलिस गांव में तैनात है। रिहायशी इलाके में शेर घुस आया। वन विभाग ने सोन नदी के पास पिंजरा लगाया। लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। रामनगर सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। छतरपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें परिवार नियोजन की हिदायत दी गई और बताया गया कि 11 जुलाई से 11 अगस्त तक विश्व जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाएगा। कार्यशाला में नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, सिविल सर्जन आरपी पांडे, महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।